से बड़ी खबर है, पकड़ी गई ज्वेलरी का मूल्यांकन पूर्ण हुआ है। अब तक करीब 50 करोड़ ज्वेलरी की रुपए की ज्वेलरी पकड़ी गई है। आज फिर 5 ठिकानों पर आयकर छापेमारी समाप्त हुई है। आपको बताया कि अब 6 ठिकानों पर हो रही आयकर की छापेमारी। आयकर विभाग ने मंगलवार को शुरू की थी 17 ठिकानों पर छापेमारी। अब तक करीब 3.25 करोड़ की नकदी और 15 लाख की विदेशी मुद्रा भी बरामद हुई है। आपको बता दें ये भी कि डिजिटल उपकरणों में रखकर चोरी का हिस्सा भी पकड़ा गया है। प्रॉपर्टी में निवेश के दस्तावेजों के साथ नकद लेन देन की पर्चियां भी मिली हैं। विश्वस्त सूत्रों ने अहम जानकारी दी है, वो ये भी है कि टेक्सटाइल डाइंग और प्रिंटिंग कारोबार से जुड़े गोगर समूह, पिपलिया कला के प्रेम केबल्स और पीजी फाइल समूह, पैकेजिंग मटेरियल निर्माता उमा पॉलीमर समूह के हो रही है छापेमारी। यहाँ पर पाली के गोगर समूह के भारत कुमार और पीयूष गोगर के आवास पर छापेमारी। पिपलिया कला में पीजी फाइल्स समूह के पंकज और अभय शाह से पूछताछ होगी। विमल कोठारी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विमल जी, क्या पूरी और जानकारी है इस खबर से जुड़ी हुई? दीपिका जी, ये जो मामला है ये मंगलवार को इसमें इनकम टैक्स की रेड शुरू हुई थी। ये रेड आज चौथे दिन भी जारी है। इस रेड में अब तक 50 करोड़ रुपए के आसपास की ज्वेलरी इन तीनों ही ग्रुप के यहाँ पर आयकर अधिकारियों ने जब्त की है जी। और अब इस जो ज्वेलरी इनको आयकर अधिकारियों को मिली है, इस ज्वेलरी का मूल्यांकन इनकी बुक्स ऑफ अकाउंट से किया जाएगा। इनके बुक्स के अंदर इस ज्वेलरी में से कितनी ज्वेलरी दिखाई गई है, उस आधार के ऊपर इस ज्वेलरी को फिर सीज किया जाएगा या फिर इस ज्वेलरी को छोड़ा जाएगा। जो जानकारी हमारे को सोर्सेज से मिली है उसमें ये है कि इस पूरी कार्रवाई में अब ये जो कार्रवाई है ये कार्रवाई अपने अंतिम चरण की तरफ जा चुकी है और उम्मीद ये की जा रही है कि इस कार्रवाई को कल समाप्त कर दिया जाएगा। इस कार्रवाई की शुरुआत मंगलवार को टोटल 17 ठिकानों पर हुई थी। 17 में से कल 6 ठिकाने खत्म हुए थे और आज 5 ठिकाने खत्म हुए थे। इस समय जो कार्रवाई चल रही है वो 6 ठिकानों पर और चल रही है। ठीक है, चलिए जी। आयकर अधिकारियों से हमें जो जानकारी मिली है उसमें ये भी है कि इन्होंने आयकर अधिकारियों ने बड़ी संख्या में डिजिटल उपकरण पकड़े हैं जिसके अंदर आयकर चोरी का हिसाब भी रखा गया है। अब ये सारे डॉक्यूमेंट्स को जब विश्लेषण किया जाएगा तब उस समय ये पता लगेगा कि इस पूरे मामले में कितनी आयकर चोरी का इन्वॉल्वमेंट है। जो उम्मीद की जा रही है वो ये बताई जा रही है कि इस पूरे मामले में करीब 150 करोड़ रुपए के आसपास की कर चोरी उजागर होने की संभावना है जी। ठीक है, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। कुल मिलाकर 17 ठिकानों पर छापेमारी की गई और करोड़ों की ज्वेलरी पकड़ी गई है। कई ठिकानों पर टीम पहुंची थी और अंतिम छोर में ये कार्रवाई बताई जा रही है। हर खबर सबसे पहले पहुंचेगी आप तक, चाहे ब्रेकिंग न्यूज हो या हर वो खबर जो रखती है आपसे राबता। अपने मोबाइल पर डाउनलोड करिए फर्स्ट इंडिया ऐप। आप हमसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ सकते हैं। ट्विटर और फेसबुक पर कीजिए हमें फॉलो। यूट्यूब पर भी अपने पसंदीदा कार्यक्रमों का मजा। हमारी वेबसाइट पर करिए विजिट और जानिए वो तमाम खबरें जो आपको रखती हैं सबसे पहले सबसे आगे। फर्स्ट इंडिया न्यूज़, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी फर्स्ट।